बस्ती में दयाशंकर पटवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जनता को मिली बड़ी राहत। वितरण राधे श्याम कमलापुरी एवं संजय त्रिपाठी, विजय कसौधन, सत्यनारायण पटवार, राजेश कमलापुरी, सिकंदर व आदि लोग रहे। कुछ दिन पहले भी इन लोगों के द्वारा वितरण करवाया गया था और आगे भी ऐसा ही वितरण करवाया जाएगा। यह वितरण का तीसरा चरण था। आज हरिजन बस्ती आसरा आवास वार्ड नंबर 2, 4, 8 वार्ड नंबर 10 में लोगों को 50 किट वितरण किया गया। वितरण स्थल कबीर धर्मशाला प्रांगण में चौकी इंचार्ज पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में करते हुए मुंह ढक करके पहले मास्क वितरण किया गया और उसके बाद किट वितरण किया गया। बस्ती से हमारे संवाददाता तक्षराज सोनी की रिपोर्ट। अच्छा, हेलो, लो, जय श्री राम प्रधान जी। और बताइए। ये किट जो आया है हमारे दयाशंकर पटवा समाज सेवी हैं और नीट के ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों में वितरण कराया जा रहा है। और जैसे जैसे इसके पहले भी आया था कुछ लोगों को पाए, आज पढ़ रहा है जो लोग बचेंगे उनका नाम नोट करके और दूसरी लिस्ट फिर जाएगी, मिलेगा सभी लोगों। कितने लोगों का वितरण आज हो रहा है? लगभग आज करीब 50 लोगों का वितरण हो रहा है। और अगला कब तक आएगा? अभी बैठ कर चर्चा कर लेते हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं, अभी बात कर लेते हैं और आएगा तो हम सूचना करेंगे। अच्छा, इस क्षेत्र में कोरोना का क्या हालचाल है? कोरोना तो यहाँ है ही है, जिले में पता है, अपने इस क्षेत्र में तो बबनान क्षेत्र में नहीं है। क्वारंटाइन जो लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, कुछ लोग उनकी क्या स्थिति है? वो उनका तो दवा हो रहा है और ठीक हो, जैसे ठीक हो रहे अपने अपने घर जा रहे हैं। जय श्री राम। आपका परिचय? मैं पटवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से संजय त्रिपाठी, एक गरीब असहाय। कुछ दिन पहले भी आप लोग यहाँ पर आए थे? जी, आज फिर से आए हुए हैं जी, क्योंकि उस दिन उन्हें वादा करके गया था जो भी छूटे हुए हैं मैं उनको पुनः ला करके राशन मुहैया कराऊंगा, उसी परिवेश में यहाँ उसको मुहैया कराने के लिए और उन्हें वितरण कर रहा हूँ। आप लोग कितने कहाँ कहाँ पर ये रक्तदान करते हैं? हमारा पूरे बस्ती में, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। जो भी, चाहे अपने यहाँ के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, सबके लिए व्यवस्था है। किट में क्या क्या रहता है? किट में 12 आइटम, खाने से लेकर के नहाने, हाथ धोने, कपड़ा साफ करने के लिए जो भी जितने सामान होते हैं घरेलू, सारे उपकरण उसमें मौजूद हैं। कोई सामान ऐसा नहीं कि जो उसमें न उपलब्ध। अभी तक कितने लोगों को वितरण कर चुके हैं आप लोग? हमारा 14,000 से ऊपर हो गया बस्ती जिले में, 14,000 के से ऊपर गरीबों को वितरण कर रहे हैं। गरीबों को वितरण कर रहे हैं, जो भी यहाँ के हों चाहे बाहर के हों, सबके लिए व्यवस्था है। आप लोग की पूरी टीम है जी? कहाँ कहाँ पर है इस समय टीम? ये हमारी 6 टीम चल रही पूरे जिले में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? एक टीम तो हमारी सोनोपार साइड में है और दूसरी टीम वाटरगंज साइड में चल रही है, तीसरी यहाँ है, एक मुंडेरवा साइड में है और एक आई है कप्तान में। इस तरह से टीमें चल रही हैं, संचालित। और यहाँ पर अभी आज सभी लोग को मतलब एक कार्य संपन्न हो गया कि अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं? कार्य संपन्न हो गया, 4-6 लोगों का, तभी दूसरे स्थान पर लेना है, यही बबनान में ही। अच्छे, अलग वार्ड में, क्योंकि यहाँ तो पूरा हो गया अलग। सलमा बेगम मुबारक अली। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पर आपका घर पड़ता है? माजिद के पास। अच्छा, यहाँ पर किट लेने आए हैं? यहाँ 5 मने हैं। 5 मने किट लेने आए हैं आपके घर से? हम ये अकेले हैं अभी। अच्छा, आए हैं किट लेने के लिए? हाँ, यही लिए किट लेने आए हैं। अच्छा, पीछे हटिए, दूर हट जाइए, अब हट जाइए सब लोग, वहाँ बैठे यहाँ पे आपको। और इस समय जो है मस्जिद तो नहीं खुल रही है? आपके घर के पास वाली मस्जिद तो नहीं खुल रही है? वो मस्जिद बाहर से खुल तो नहीं रही है इस समय? नहीं, कोई जा रहा है? ये किट दयाशंकर पटवा चैरिटेबल्स के सौजन्य से हम लोग समाज के सेवा के लिए इस किट को अपने आग्रह पे, निवेदन पे, उन्होंने मेरे निवेदन को अच्छरसा से स्वीकार किया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। दयाशंकर पटवा, उमा शंकर पटवा,
पूरे बस्ती जनपद में किट का वितरण कर रहे हैं। बम्बई में भी वो 8 जगह उनकी टीम चल रही है, दिल्ली में 4 जगह टीम चल रही है, गोरखपुर में उनकी 2 जगह टीम चल रही है। इस पटवा टेस्ट के माध्यम से पूरे हर जगह उनके कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों लगे हैं। हम किट सर्वे करा करके उन गरीब असहाय निर्बल लोगों को जिनके पास खाने के न कोई राशन है, जो रोज़मर्रा के रोज गारा मटूरी और मजदूरी करते थे, अभी देखा मैंने हरजन बस्ती में जो जो पल्लोदारी करते हैं उनके परिवारों को बुला के हमने दिया है। जो ठेला खोंचा वाले हैं जिनके दुकानें इस लॉकडाउन में बंद हैं उनको मैंने दिया। ये आज मेरा ये दूसरा चरक है, मैं पहले चरक में 56 किट बांट चुका था। इस बांटने में चौकी इंचार्ज माननीय हमारे अरविंद यादव जी का, पुलिस कर्मियों का सबसे ज़्यादा सहयोग है। लॉकडाउन का मैं पालन करके, लॉक डिस्टेंसन का बना करके जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं हम कोई के अनुशासन में रह के कर रहे हैं। लोगों को पहले हम मास्क भी वितरण कर रहे हैं, मास्क वितरण करने के साथ साथ तब उनको किट दे रहे हैं, वो भी उस लॉकडाउन का पालन करके दूरी बना करके दे रहे हैं। और हम लोगों को चेहरे को ढक करके दे रहे हैं, हम चेहरे को नहीं दिखाना चाहते। आगे आप ऐसा कार्य करते रहेंगे? हमारी योजना है, हम ऊपर तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बनाने के बाद व्यवस्था करने में 1-2 दिन लग जाता है। जब व्यवस्था हो जाती है उसके पहले हमको सूचना मिल जाती है 2-4 घंटे पहले, तब मैं लोगों को सूचना देता हूं, आने के आधा घंटा पहले मैं सूचना दे देता हूं, उन्हीं लोगों को बुलाता हूं जिसका नाम हमारे लिस्ट में आ जाता है, जिसके लोगों को हम आए दे दें और वो हमारे पास ही निराशाजनक वापस ना आए। जो 2-4 लोग अगर एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं तो मेरा प्रयास रहता है उनको भी सम्मान, सबका उतना ही है, पाने वाले का भी है, जो नहीं पा रहे उनका भी सम्मान है, उनको भी मैं लिस्ट बना करके चरणबद्ध तरीके से हमारा जब तक हमारी ये क्षमता होगी माननीय पटवा जी का, उमा शंकर जी, दया शंकर जी, उनके पूरे परिवार को मैं हृदय से आभारी हूं। लिस्ट में जितने लोग लिस्ट बना हुआ है सबको बांट चुके हैं क्योंकि कोई अभी बचा है? आज हमारी 40 की लिस्ट थी, मैंने 40 को वितरित कर दिया। आगे अभी दूसरा कार्यक्रम, अब दूसरा कार्यक्रम जब हमारा योजना बनेगा हम लोग अपनी बैठ करके रणनीति तैयार करेंगे, बात करेंगे, फिर हम बताएंगे आपको। जी, कुछ दिन पहले भी आप लोग अभी बांटे हुए थे? हाँ, अभी दया शंकर पटवा, उमा शंकर पटवा के नेतृत्व में सहजन से बताया गया, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, पटवा परिवार को धन्यवाद देता हूँ जो गरीबों के दुख दर्द में वो समाज में सेवा में ऐसे लोगों को अपना समय दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, हमारी बात को स्वीकार किया, अच्छे जगह अच्छे नेतृत्व में बट रहा है। हमारे साथ में सत्यनारायण पटवा जी भी हैं सहयोग में, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय कसौधन जी हैं, हमारे मंडल महामंत्री राजेश कमलापुरी जी हैं, सारे लोगों के सहयोग से यहाँ बट रहा है। आप लोग की पूरी टीम है, सभासद सिकंदर अली भी हमारे सहयोग में लगे हैं, हमारी 4-5 की हमारे संजय नाथ त्रिपाठी जी और प्रतिनिधि के रूप में उनके देख रेख में उनके नेतृत्व में बट रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा, उन लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। मुझे सेवा करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं जनता की सेवा के लिए बना हूं और सेवा करता रहूंगा। वहां के लोगों को बुला करके 6 लोगों को मैंने दिया है और मार्केट के आसपास के वार्ड नंबर 8, 10 या इस सारे लोगों को बुला करके